विधानसभा चुनाव 2022 के बाद समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यूपी में एक बार फिर बीजेपी के साथी बन सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में इसकी अटकलें तेज हो गई हैं। इसकी वजह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उनकी ताजा मुलाकात और इसके बाद राजभर को मिली अहम जिम्मेदारी बताई जा रही है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यह कहावत यूपी की चुनावी राजनीति में एक बार फिर से साकार होती नजर आ रही है, जब लखनऊ में ओपी राजभर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मिलने उनके घर जा पहुंचे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर की ब्रजेश पाठक से मुलाकात की खबर तुरंत सुर्खियों में आ गई और इसकी पुख्ता वजह भी थी। ओपी राजभर वो नेता है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कभी बीजेपी के दोस्त रहे ओम प्रकाश राजभर अब विरोधियों की जमात में खड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक से मिलने पहुंचे तो राजनीतिक अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया, जहां ओपी राजभर ने बीजेपी की शान में कसीदे पढ़कर सियासी अटकलबाजियों को हवा दी, वहीं बीजेपी ने राजभर को अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन का सह अध्यक्ष नियुक्त कर राजभर की बीजेपी में वापसी के साफ संकेत भी दे दिए। ये नेता ये देश का दुमुहिया सांप की तरह दिखते हैं भैया, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे कोई हो के टेबल पर अंदर बैठ के खाएंगे, बड़े निकल के वो मंच पर अपने भाषण, वो अपन भाषण, वो कांग्रेस का शिकायत, तो भाजपा का शिकायत, तो सपा का शिकायत, तो बसपा का शिकायत, यही तो करते हैं। तभी तो चर्चा में आ गया ब्रजेश पाठक के यहाँ पहुंच के। भाई तो हम तो बता तो रहा हूँ क्यों गया था, क्या हुआ, हम तो इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं गया था। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम से ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात की टाइमिंग पर गौर करना जरूरी है। आगे निकाय चुनाव है और फिर उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव, ऐसे में बीजेपी और सभासपा के बीच पड़ी सियासी दरार को भरने के लिए खुद राजभर ने कदम बढ़ा दिया है, लेकिन सपा राजभर के इस कदम को लेकर निशाना साध रही है। तो भारतीय जनता पार्टी से चंदा मिलने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी अगर समाजवादी पार्टी को कुछ कह रहे हैं तो हम उसका बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि जब नमक खाया है ओम प्रकाश राजभर जी ने तो उस नमक का हक भी ओम प्रकाश राजभर जी अदा करेंगे। कहते हैं कि राजनीति में नेताओं की सुबह कहीं और शाम कहीं और होती है, और ओपी राजभर फिलहाल अपनी सेटिंग में जुटे हैं। अब देखना है कि क्या ओपी राजभर लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी से हाथ मिलाएंगे या फिर ये मुलाकात महज एक इत्तफाक बनकर रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ये कवायद राजभर वोटों को लेकर है। राजभर वोट बैंक की ताकत क्या है वो समझिए कि आखिर राजभर वोट बैंक कितना प्रभाव रखते हैं। राजभर समाज की आबादी करीब 4% है, 100 से ज्यादा सीटों पर राजभर समाज का दबदबा बताया जा रहा है। पूर्वांचल में राजभर समाज निर्णायक भूमिका में है, 2 दर्जन से ज्यादा जिलों की सीटों पर अहम भूमिका निभा रहे हैं राजभर समाज। तो ये है राजभर समाज की ताकत, जिसकी वजह से ये सारी कवायद देखने को मिल रही है। बढ़ते आगे,